आप सभी को मेरी नमस्ते। जय हिंद। भाषण नहीं है और वर्बल मैथ में भाषण नहीं, मैं आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली ये क्वेश्चन भेजा है, किसी मॉक का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। करवा देते हैं, पेपर में या मॉक में उस टाइम पे चैलेंजिंग लगा होगा। ठीक है, सवाल है, त्रिभुज एबीसी है, एक ए बी को प्रोड्यूस किया डी तक और ए सी को प्रोड्यूस किया ई तक, कैसे मान लो। ए बी को प्रोड्यूस किया डी तक और लेट से ए सी को प्रोड्यूस किया ई तक, बीई और सी डी जो मिल रहे हैं ओ पर मिल रहे हैं। ठीक है, आपको दे रखा है बी डी बराबर बी सी, बी डी बराबर बी सी बराबर सी। एक त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर है आइसोसेलेस तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ऐसे समझ लो। मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो गया, और अगर इस वाले त्रिभुज में देखें, इस वाले में येलो जिसको मैं कर रहा हूं, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो गया। ठीक है ना, ऐसे दे रखा है। एंगल बी ओ सी दे रखा है 102, बचा हुआ 78 हो गया। आपसे एंगल ए पूछा है, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, एक्सटीरियर एंगल पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो क्या मैं ये वाला एंगल 2 बीटा ले लूं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या मैं ये वाला एंगल 2 अल्फा ले लूं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ए कितना आएगा, ए आएगा 180 में से ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कर दो। मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है मेन। ठीक है, कैसे निकलेगा? एक्सटीरियर एंगल देखो, ये वाला एंगल ओ बी ए देखो, टू अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, इसके बराबर होगा अल्फा प्लस 78 के। तो आपने बोल दिया इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 78। सॉल्व, तो 180 टू इंटू 78 156, 24 आंसर आ गया, एंगल ए 24 है। एक बार और बता देते हैं, कुछ भी नहीं किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे बढ़ा दिया, ये ऐसे बढ़ा दिया, यहां से पॉइंट इसको ज्वाइन, इसको ज्वाइन, ये बराबर दे रखे थे। अगर ये बीटा बीटा है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बीटा एक्सटीरियर एंगल से, अगर ये अल्फा अल्फा है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अल्फा आ गया। ये 102 दे रखा था, बचा हुआ 78 था। अगर ये वाला पूरा टू अल्फा प्लस बीटा है तो एक्सटीरियर एंगल से 78 और बीटा इन दोनों का जोड़ टू अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा आपका निकल गया 78। तो अगर इस एंगल की बात करी थी, तीनों का जोड़ो, तीन एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180, तो 180 में से अगर मैं ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल दूँ, यानी कि 180 में से अगर आप 78 इंटू 2 निकाल दोगे, 24 आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, बट डुएबल है, ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन आप रेडी रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो सिंपली बनाते ही हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। प्लीज सेशन को लाइक करना और कमेंट्स में बताना अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो। आप लोग मुझे पता है कि अभी पढ़ने के मोड में है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तक जब तक डेट नहीं रिलीज होगी, एसएससी डेट रिलीज नहीं करेगा, तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ना है, बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसे में ही जो बच्चे कम पढ़ रहे होते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं वो आगे निकल जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस।